लिया जो मैंने तेरा ना हुई सुबह से शाम, यूं ही कभी तो बेवजह कर लो दुआ सलाम। यार बहुत क्यूट है प्रतीक, दो गाने चल जाए तो सब लोगों में हवा भी आ जाती है। बहुत आई गई यादें, बिग बॉस में ऐसा तो मुझे कुछ पसंद आने वाला लगता नहीं है, बट ठीक है टाइम पास है, मैं देखूंगी। प्रतीक जाएगा तो मैं देखूंगी। काट के लगाते ना ढिशुम ढिशुम ढड़ैंग, और जब मैं मरती हूँ तो वो लोग बहुत रोते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शिप्रा गोयल एंड यू आर वॉचिंग फर्स्ट इंडिया टेली। पहले तो मैं सारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि उन्होंने गाने गाने इतना प्यार दिता। एंड सॉन्ग इज़ गोइंग गुड, जैसा कि आपने बताया कि 3.5 मिलियन व्यूज़ हैं, 1 लाख गाने पे लाइक हो चुके हैं और कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। स्पेशली वीडियो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और गाने के साथ जुड़ रहे हैं। सो सारी टीम बहुत खुश है क्योंकि यार सारी टीम ने दिल खोल के मेहनत की है इस गाने के पीछे, और जब वो गाना ऑडियंस प्यार से एक्सेप्ट कर लेती है तो मुझे लगता है कि सबकी जो मेहनत रातों को जाग के और दिनों को ना देखते हुए जितनी भी मेहनत की है वो सारी सफल हो जाती है। सो थैंक यू कहना चाहूँगी। यार बहुत क्यूट है प्रतीक एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। जब हम शूट पे थे मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि हाँ ये प्रतीक है या कोई उनमें हवा है या कुछ भी है ना, जैसे दो गाने चल जाए तो सब लोगों में हवा भी आ जाती है, बट उनमें ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड बहुत ही अच्छे को स्टार रहे हैं मेरे, सो आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग विद हिम एंड आई होप कि वो भी खुश होंगे। कि वो थकता नहीं है, मतलब उनको बोलो कि सुबह 4 बजे का कॉल टाइम है, तो हम लोगों ने ये गाना 2-3 दिन लगा के शूट किया था कसौली में, तो सुबह से लेके लेट नाइट तक हम लोग शूट कर रहे थे, बट उन्होंने कोई भी जैसे कहते हैं ना टैंट्रम्स नहीं दिखाए, सो दैट वाज हिज बेस्ट पार्ट। जो ये गाना है वो कुणाल वर्मा ने लिखा है और गाया मैंने और मधु शर्मा ने है। म्यूजिक अभिजीत वगानी का है, वीडियो आर स्वामी जी की है, फीचरिंग प्रतीक सहजपाल जी की है। पहले तो सारी टीम को क्योंकि याद करना चाहिए। एंड गाने के बोल सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि कुणाल लिखते ही बहुत सुंदर हैं। आपने उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने सुने होंगे, बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना, वो मेरा फेवरेट गाना जो उन्होंने लिखा है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उनका लिखा हुआ गाना मुझे गाने के लिए मिला, और आगे भी हम लोग बहुत सारे गाने लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। तो जैसे कि आपने बोला प्रतीक के बारे में कोई टेंट्रम्स नहीं है, वो टाइम पे काम करते हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और ये बहुत सारी आपने चीजें बताई और उनको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, क्या कुछ आप उस पर जवाब देना चाहेंगे? जिस तरीके से उनका पिछला सॉन्ग आया था और काशिक कपूर के साथ उनका जिस तरीके से वो हुआ था, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? देखो सच्चाई क्या है वो मैं अंदर की बात नहीं जानती, पर एज अ व्यूअर मुझे लगा कि किसी ना किसी को शायद फेम की जरूरत थी, तो उनको थोड़ी उन्होंने कोशिश की होगी फेम लेने की, बट मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, मैं इसलिए कह रही हूँ। प्रतीक एज अ ह्यूमन बीइंग आपको कैसे लगे? अच्छा क्या आपने उनको बिग बॉस में फॉलो किया था या फिर उनके एक्चुअली प्रतीक वाज द ओनली गाय जो बिग बॉस से मुझे पता है। बाकी बहुत सारे लोग आए बट मैं क्योंकि ज्यादा बिग बॉस फॉलो नहीं करती, बट फिर भी मैंने 1-2 एपिसोड देखे थे तो उससे मुझे प्रतीक याद था। प्रतीक की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बिग बॉस में क्या कुछ उनका पसंद आया? बिग बॉस में ऐसा तो मुझे कुछ पसंद आने वाला लगता नहीं है, बट ठीक है टाइम पास है, कभी वक्त है कभी आप बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा एपिसोड देख लो। जी क्या कभी आपको ऑफर किया जाएगा बिग बॉस तो क्या आप पार्ट बनना चाहेंगे? मुझे आता है ऑफर और मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए बिकॉज अच्छा काम चल रहा है तो या नहीं, लॉकअप मैं फॉलो नहीं करती,
क्योंकि मुझे अभी कुछ ऐसा खास इंटरेस्ट उसमें आया नहीं है एंड बट उन्होंने कल हमारा गाना प्रमोट किया है और शो अच्छा जा रहा है. मैं तो वैसे ही बिजी रहती हूँ तो कोई टाइम नहीं मिल पाता कि क्या देखूँ क्या नहीं देखूँ, बट लोग देख रहे हैं शायद सो अच्छा ही होगा. आपका सॉन्ग प्रमोट हुआ है वहाँ पे तो वो किस तरह की फीलिंग आती है जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, एक वो बड़ा प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं, क्या बोलना चाहिए? अच्छा है, बढ़िया है. गाना इतनी मेहनत से बना है तो सब लोगों तक पहुँचना चाहिए, और पहुँचना चाहिए तो टीवी एक सबसे अच्छा आप कह लो कि मीडियम है उसके लिए, कि घर घर में आप कैसे पहुँचोगे, आप टीवी के थ्रू पहुँचोगे. सो या टॉकअप में अभी बहुत ही ज्यादा चर्चा चल रहा है कंगना मैम का, जिस तरह से वो होस्ट कर रही है और साथ ही साथ करण जैसे थिएटर का वो भूमिका निभा रहे हैं, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे, कितना आपको पसंद आ रहा है या क्या कुछ उस पे टिप्पणी करना चाहेंगे? कंगना मैम से तो मैं कोई टिप्पणी करना चाहूंगी नहीं क्योंकि पंजाबी यहाँ का बहुत ही ज्यादा प्यारा है कंगना मैम ना, एंड करण इज डूइंग अ गुड जॉब. ओके, अभी खतरों के खिलाड़ी में भी नाम आ रहा है, प्रतीक जा सकते हैं, क्या आपको लगता है कि उनको जाना चाहिए क्या? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, उनका टाइम है, उनको काम करना चाहिए जितना हो सके. आप देखना चाहेंगे प्रतीक को खतरों के खिलाड़ी? हाँ, मैं देखूंगी, प्रतीक जाएगा तो मैं देखूंगी. और प्रतीक के अलावा अगर आपको ऑफर किया जाता है खतरों के खिलाड़ी तो क्या आप जाना चाहेंगे? खतरों के खिलाड़ी जा सकते हैं, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग कुछ एडवेंचरस होगा सो जरूर. मतलब आप सबके ऊपर टिप्पणी करा लो मुझसे ताकि बाद में फिर वो काट के लगाते ना ढिशुम ढिशुम ढड़ैंग ढड़ैंग वो लगे, है ना. रोहित शेट्टी ऑफ कोर्स बहुत अच्छे हैं, तभी वो इतने सालों से कर रहे हैं अपना काम. अगर बात की जाए सॉन्ग की तो लोकेशन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या मुझे बताना चाहेंगे BTS कैसे मोमेंट्स रहते थे? बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा इस गाने को शूट करने में क्योंकि सीन्स हमारे बहुत ज़्यादा थे, स्पेशली वो जो एंड में कॉफिन का और ग्रेवी आर्ट का सीन है वो सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो वो हमने थोड़े मुश्किल से शूट किया था. एक इसमें सीन है जब मुझे गोली लगती है, जब मैं मेरी डेथ हो जाती है वीडियो में, तो वो एक वन टेक होना था क्योंकि उसमें कुछ उन्होंने पैचेस लगाए थे मेरी बॉडी पे जो फटेंगे तो रेड खून निकल आएगा, और वो रेड खून निकल गया तो उसके बाद वो कपड़े ख़राब हो जाएंगे तो आपका रीटेक नहीं हो सकता, तो वो वन शॉट में ही ओके करना था, और उसमें इतनी सारी वायर्स मेरी बॉडी पे लगी हुई थी सो उसमें करने में मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि पहली बारी मैं ऐसा कुछ अटेम्प्ट करने वाली थी, एंड बट होपफुली वो ठीक आ गया सीन और बाद में एडिट में ठीक ही लग रहा है. कोई और ऐसा मोमेंट जो आपका सबसे ज़्यादा ये खास रहा हो इस सॉन्ग के? एक तो वो गोली वाला सीन बहुत खास था, और एक मैंने पहली बार इस गाने में कैथोलिक कैरेक्टर प्ले किया तो वो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया. प्रतीक के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है? सुबह से शाम. उसके अलावा? नहीं, सुबह से शाम. प्रतीक को क्या कुछ बोलना चाहेंगे सॉन्ग को लेकर, जिस तरीके से आप अकेले प्रमोट कर रहे हैं, क्या आप साथ में प्रतीक होने चाहिए? नहीं, उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है गाने के लिए, एंड आज किसी अपने मीटिंग्स या कह लो कि पहले से उन्होंने कहीं टाइम दिया था उसकी वजह से वो नहीं आ पाए, सो या ठीक है, सबको काम होते हैं. तो क्या हम दोबारा आपको देख सकते हैं प्रतीक के साथ कोई एल्बम सॉन्ग या फिर कोई और? आप सुबह से शाम हिट करो, हम जरूर अगला गाना बनाएंगे. सो इसकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगी ऑडियंस से? अभी दो दिन में 3.5 मिलियन क्रॉस हो चुकी है, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस से, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? मुझे तो ये पूछना है कि ऑडियंस को जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी पूरी हुई कि नहीं, क्योंकि कमेंट्स पर के तो लग रहा है कि बहुत खुश है कि ऑडियो अच्छा है, वीडियो अच्छा है, हमारी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, सब लोग पसंद कर रहे हैं, इमोशनल गाना है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, सो लोग जुड़ रहे हैं गाने से. तो मुझे आप लोगों से पूछना है कि मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को गाना अच्छा लगा कि नहीं. ऑडियंस को तो काफ़ी सॉन्ग मतलब पसंद आते हैं, और आपका जो सॉन्ग है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, जब वो टीजर आउट हुआ था, ट्रेलर आउट हुआ था, और साथ ही साथ पोस्टर भी ऑडियंस पसंद की थी, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रही है, तो क्या ऑडियंस को आप बोलना चाहोगे कि मतलब ऑडियंस के कमेंट्स आपके लिए कितना वैल्यूएबल? ऑडियंस के कमेंट्स ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं क्योंकि ऑडियंस ही है जो किसी चीज़ को चला देती है, किसी भी चीज़ को नहीं चलाती, उनके दिल पर बात लगनी चाहिए. सो हम गाने बनाते ही ऑडियंस के लिए, सो सबसे ज्यादा वैल्यू मेरे लिए ऑडियंस की है. अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या कुछ बताना चाहेंगे सॉन्ग को लेकर? सॉन्ग को लेकर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, ये एक ट्रू स्टोरी है, एक असली कहानी है जिस पर ये गाना बेस्ड है, जिस पर हमने जो वीडियो शूट किया है, सो लोग उस स्टोरी से जुड़ रहे हैं, एक एक सीन को फील कर रहे हैं, और जब मैं मरती हूँ तो वो लोग बहुत रोते हैं.
सो आई थिंक कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से सबसे अच्छा पिक करना तो यार बहुत मुश्किल काम है। कोई ऐसा जो आपके फ्रेंड्स से या फिर फैमिली मेंबर्स से मिला हो? फैमिली मेम्बर्स को तो सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं, तो मैं जो भी करती हूँ फैमिली को हमेशा अच्छा ही लगता है। बट ऑडियंस की तरफ से जो मूवमेंट है, जो कॉफिन वाला, वहाँ पे सब लोग बहुत रो रहे हैं। सो आई थिंक कि हम लोग कहीं ना कहीं उनको जोड़ पाए हैं साथ में, ये मुझे अच्छा लग रहा है। जाते जाते अपनी आवाज़ में दम लाने का तो बिल्कुल लिया जो मैंने तेरा ना हुई सुबह से शाम, यूं ही कभी तो बेवजह कर लो दुआ सलाम, तू मुझ में उतर गया रे इतर सा बिखर गया रे, होने लगा है दिल मेरा क्यों ऐसे बेलगा, हो लिया जो मैंने तेरा नाम हुई सुबह से शाम। थैंक यू सो मच प्रतीक, वी मिस यू।